हैं और आप लोगों का एग्जाम भी जो है नज़दीक भी आ गया है, तो इस नज़दीकी समय में या जो हमारे पास कुछ दिन का समय बचा है, तो इसमें हम ऐसी कौन सी रणनीति बना करके इस प्रीलिम्स एग्जाम का को दें कि हमारा जो नंबर है जो वो 80+ आ जाए। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल जो है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हो जाने के कारण जो है कि हर एक विद्यार्थी के पास वो मैटर पहुंच रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब जैसा कि आपके पास जैसे मार्केट में बुक है वो सबके पास है, अब पढ़ते भी सब हैं, लेकिन जो 80+ नंबर जो है लगभग कुछ लोगों का आता है। अब इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि उसमें सिलेबस में क्या दिया है। कि अब जैसे सिलेबस में अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इसको केवल पासिंग मार्क मानता हूँ, तो ये आप भूल कर भी ना समझिएगा कि मैं इसको पासिंग मार्क समझूँ। क्योंकि अगर ये पासिंग मार्क आप समझेंगे, तो जैसा कि आप पिछले लेखपाल का पेपर जो है आप देख भी चुके हैं कि कौन से विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो पाए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, और जितना ही नंबर आ जाए उतना ही कम है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो सिलेबस है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे अपनी पकड़ बनानी चाहिए। कि अब जैसे तैयारी क्या होता है कि पहली चीज़ तो अगर कोई जैसे एग्जाम आता है, तो एग्जाम के समय में वो विद्यार्थी जरूर इसको देखिएगा जो पहले से तैयारी कुछ कर चुके हैं। कि जैसे अब इसमें देखिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, या हम पहले इसमें हम सिलेबस में आपके चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस है क्या। कि सिलेबस में जैसे आप देखिएगा, इसमें सिलेबस में आपको हम बताते हैं, ये जो पेट का पहले सिलेबस है, पेट का जो सिलेबस है उसके बारे में बताते हैं। तो आपके इसमें देखिए जैसे पूछता क्या है कि जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या आपका इतिहास, ये आपका इतिहास आपका भारतीय इतिहास हुआ। ये भारतीय इतिहास में आप ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो अब देखिएगा, मैं सिलेबस आपको सारा सिलेबस बताऊंगा। 2 नंबर पे जैसे ले लेते हैं भारत का एवं विश्व का भूगोल, एवं विश्व का भूगोल, ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। फिर अगला जैसे ले लेते हैं क्या चीज़, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अगला जैसे ले 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 लेते हैं क्या, संविधान, भारतीय मूल संविधान, संविधान एवं लोक प्रशासन, एवं लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब इसमें जैसे आप फिर एक ले लीजिए, क्या आपका हो गया, अब आपका ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब आप ले लीजिए जैसे आपका क्या हो गया, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा, सामान्य विज्ञान, ये भी आपका 5 नंबर का हो गया। अब इसके बाद आपका जैसे हो गया क्या चीज़, अब सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको सारा व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही चैप्टर हैं जो हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, आप अच्छे नंबर इसमें भी ला लेंगे। अब उसके बाद आपका आ जाता है क्या, उसके बाद आपका अंग्रेजी आ जाता है। अंग्रेजी में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसमें भी आपको जनरल जो है कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, जिसका मैटर हम आपको दे देंगे, उसमें पढ़ लेंगे तो आपको भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद आप देखिएगा, सामान्य अंग्रेजी हो गया। अब उसके बाद आपका आ जाता है क्या चीज़, रीजनिंग,
रीजनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब इस हम बताएंगे कि आपको किस में मेहनत करना है, किस में नहीं करना है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या चीज़, मैथ। जो मैथ में भी आपको क्या पढ़ना है, सामान्य अंक गणित। सामान्य अंक गणित में कुल टोटल इसमें 7 चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, केवल वही पढ़ना है, जिसकी तैयारी हम अच्छी से आपको करवा देंगे। सामान्य अंक गणित में भी आपका जो है कि ये 5 नंबर है। अब यहाँ पे देखिएगा, 5-5 नंबर वाले कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल मिला के ये जो 10 नंबर है आपके, ये 50 नंबर का है। ये जो 10 सब्जेक्ट है ये 50 नंबर का है। अब देखिए बाकी जो सब्जेक्ट है, अब देखिएगा, अब जैसे आप अंक जो सामान्य अंक गणित है, इसी में आप जैसे ग्राफ एवं तालिका सबसे बढ़िया भूमिका है, और जो नंबर ये आपका एकदम बढ़िया से आ जाएगा। ग्राफ एवं जो तालिका है ये कितने नंबर का है, ग्राफ एवं तालिका ये आपका 20 नंबर का है। कितने नंबर का, 20 नंबर का। उसके बाद आप आ जाइए आपठित गद्यांश, जो हिंदी का होता है, ये भी आपका आपठित गद्यांश ये आपका 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का। और उसके बाद आपका समसामायिकी, समसामायिकी ये आपका कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है। समसामायिकी ये 10 नंबर का है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता ये भी आपका कितने का आ गया, 10 नंबर का। तो आप देखिए, अब ये देखिएगा, ये आपका सिलेबस रहा, किसका रहा, पेट का। तो अब देखिए ये हमारे सामने सिलेबस है, आपको ये होना चाहिए आपके माइंड में, ये सिलेबस एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद रहना चाहिए सिलेबस की क्या क्या दिया है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हो। तो पहले देखिए रणनीति कैसे करना चाहिए, कि पहले ये देखना चाहिए कि हमारा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है। कि अब देखिएगा, सबसे पहले ये हमारा जो ग्राफ एवं तालिका, इसको मिला लीजिए, और ये देखिए सामान्य गणित, कुल मिला के ग्राफ एवं अर्थात गणित के पोर्शन से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। जो हमारा गणित है वो गणित से हमें कितना नंबर मिलेगा, गणित में हमें 25 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, गणित में 25 नंबर। और हिंदी जो आपठित गद्यांश है, और हिंदी से हमें कितना नंबर मिलने वाला है, हिंदी से ग्रामर पोर्शन से 5, और जो 10 वो है 15। कुल मिला के अब इसका जो है कितना नंबर हो गया आपका, जो है 40 नंबर, देख रहे हैं, आपका जो 40 नंबर है केवल गणित और हिंदी दिलवा रहा है। कितने नंबर, 40 नंबर केवल आपका जो है गणित और हिंदी दिलवा रहा है। तो अब देखिए, अब इसका रणनीति क्या होना है, कि अब देखिए जो 40 नंबर, जो 40 नंबर है वो केवल आपको कौन से दो सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं, एक आपको जो है वो गणित और हिंदी, गणित और हिंदी। गणित में हमको देखिए, गणित अब हिंदी हमारा 15 नंबर हो गया, और जो गणित हमारा कितने नंबर हो गया, 25। अब 25 में से 5 आपका जो है, 5 नंबर आपका सामान्य, जो सामान्य अंक गणित है, सामान्य अंक गणित है 5 नंबर का, और जो है 20 नंबर का जो आपका ग्राफ एवं तालिका था, ग्राफ एवं तालिका। अब देखिए ग्राफ एवं तालिका होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ये आपका नंबर, ये जान लीजिए कि ये बहुत सरल होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट से अगर ये छूट जाता है तो वो जान लीजिए सीधे 20 नंबर अर्थात उसका 80 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको हम सरलतापूर्वक ले भी नहीं सकते हैं, और इसको गंभीरता से समझिएगा कि ग्राफ एवं तालिका में है क्या, कि ग्राफ में आपको केवल 3
टॉपिक पढ़ना है। एक आपका तीन टॉपिक है, रेखा ग्राफ है, पाई जो है और वेन आरेख है। तो हम आपको जो है इसकी तैयारी एकदम बढ़िया से करवाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है, केवल 4 से 5 वीडियो में। अगर 4 से 5 वीडियो में हम आपको जो ग्राफ का जो है, ग्राफ एवं तालिका का जो है कि इतना अच्छे से आपको हम बता देंगे, और जितना बता देंगे वो आपके लिए 25 नंबर फिक्स रहेगा। आप अगर जितना हम मेहनत करते हैं, अगर आप उसका आधा भी मेहनत करके अगर इस पे आप काम कर लेंगे तो आपका 25 नंबर यहाँ पे कंफर्म होगा। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में देखिएगा आप में है क्या, मुहावरा है, विलोम है, पर्यायवाची है, जो मैक्सिमम लोगों का तैयार नहीं हो पाता है। तो इसमें कुल मिला के बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना। हाँ, अब इतना भी नहीं है कि हम इसको हम देखें भी ना, इसको देखना है। हम आपको कुछ पीडीएफ है या हम इसी वीडियो में कुछ इस वीडियो में महत्वपूर्ण चीज़ ग्रामर में हम आपको ला के देंगे, जिसको आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आप 15 नहीं कह सकता, लेकिन 15 में से कम आप 13 नंबर ज़रूर ला सकते हैं, 12 से 13 नंबर। अब यहाँ पे लेकिन गणित वाले पोर्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 में से 25 आपको मैं लाने का प्रयास करूँगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो। अब इसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी कि अब देखिएगा जो हमारा सामान्य अंक गणित है, अब देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य अंक गणित। सामान्य जो अंक गणित है, सामान्य अंक गणित में टोटल मिला के कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। तो अब ये 7 चैप्टर में जो है 7 चैप्टर में केवल अब 7 चैप्टर हैं, अब क्वेश्चन कितना पूछना है, 5। कितने क्वेश्चन पूछना है, 5। तो अब देखिएगा अब ये 7ों चैप्टर, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 7 ही चैप्टर दिया है तो मुझे 7 ही चैप्टर पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में अनुपात एवं समानुपात नहीं दिया है, तो अब ये नहीं है कि मैं अनुपात एवं समानुपात नहीं पढ़ूंगा। अब देखिएगा इसका भी यूज कर सकता है, वो कहाँ पूछ लेगा, ग्राफ में पूछ लेगा अनुपात एवं समान। तो बेसिक नॉलेज मैथ का जो है कि केवल हमें बेसिक नॉलेज पढ़ना है। तो अब हम आपको ये बेसिक नॉलेज जो है इतना विश्वास बनाए रखिएगा कि हम आपको इसमें जो है आपका जो ये 5 नंबर वाला पोर्शन है ये तो आपका कन्फर्म है, लेकिन इसी में आपको हम ग्राफ जो आपका जो है कि तालिका, हम इसी से हम आपका जो है कि बढ़िया से आपकी तैयारी करवा देंगे। और अब देखिएगा डेली हमारा जो है कि एक वीडियो, बहुत ज़्यादा समय का तो नहीं रहेगा, तब भी जो है कि 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें मैं एक चैप्टर में एक टॉपिक लेके आऊँगा गणित का, और उसमें कुछ नंबर आप क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन देंगे, उसका जो है हम आपको केवल कॉन्सेप्ट बता करके वहीं पे निकल चलेंगे। तो कुल मिला के जो गणित का वीडियो होगा, और 7 चैप्टर हैं तो कम से कम समझ लीजिए 14 से 15 वीडियो में आपका जो है मैं पूरा गणित समाप्त कर दूंगा। बस यही 14 से 15 वीडियो आप देखिए, और उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, और बढ़िया से ओमार बढ़िया ले करके आप 6-7 प्रैक्टिस सेट हल करके आप जाइएगा, तो आपका जो है गणित में लगभग क्या 25 में से 25 ही आ गया। ये बात रही गणित का। अब हिंदी में देखिएगा जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, अब हिंदी में हम आपको बताएं क्या, हिंदी में हमारा 2 है, एक हमारा जो है कि ग्रामर का पोर्शन है, एक हमारा ग्रामर का है, एक हमारा आपठित गद्यांश है। तो आपठित गद्यांश है, अब ये जो आपठित गद्यांश है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर करता है, इसकी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, मैटर दे सकता हूँ, तो अब इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना है। आप अपने आप को सुव्यवस्थित करके डेली एक गद्यांश आप हल करिएगा, क्योंकि ये हमारा भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, और ये जो ग्रामर का है, ग्रामर का पोर्शन हम आपको अच्छी तरह से करवा देंगे। अब इसके बाद देखिएगा जो सिलेबस में अदर सब्जेक्ट है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुल मिला के
जो हमारा जीके का जो कुल मिला के, अब ये जो हमारा 50 नंबर है, ये 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर के लिए हमें क्या करना है। इस 50 नंबर के लिए, 50 नंबर का तो आपने 40 नंबर का जो है आपने कर लिया। अब जो 50 नंबर है वो हमारा केवल क्या है, जीके और जीएस है, जिसमें हमारा बताए क्या कि 5 नंबर आपको जो है, ये देखिए जीके और जीएस में से 5 नंबर आपका इतिहास है, 5 नंबर आपका भूगोल है जिसमें आपका भारत एवं विश्व दोनों शामिल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद संविधान एवं लोक प्रशासन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब ये सामान्य विज्ञान भी आपको ये देखिएगा, अब इसकी तैयारी, और उसके बाद ये सामान्य जागरूकता और समसामयिकी। अब इसके लिए भी आप जो है कोई एक चैनल जो है करंट अफेयर का बढ़िया से आप चुन के उसकी भी तैयारी आप ये दोनों की करेंगे। तो ये हमारा जो है 20, 30, 40, 50, केवल 50 नंबर हमारा यही इतना दिलवा सकता है। 50 नंबर ये करिएगा, अब बाकी आप, अब ये जो रीजनिंग है, हाँ मैं तो रीजनिंग को भूल ही गया, रीजनिंग का भी हम आपको अच्छा सा जो है तैयारी करवाएंगे। जो 5 नंबर का आपका रीजनिंग है, इसका भी जो है कि हम लगभग क्या क्या मान लेते हैं, 10 वीडियो, 10 वीडियो में हम आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा समाप्त कर देंगे, और एक वीडियो में लगभग क्या हम 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का करवाएंगे, 100 क्वेश्चन, और उसमें हम आपको इतना अच्छे से करवा देंगे कि आप जो है एग्जाम दे के आएंगे तब आप हमको याद करिएगा। ये हमारा रहा पेट के सिलेबस का रणनीति। तो अब देखिएगा, अब इसमें भी आपको जो है अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको ये पेट का जो है पूरा मैटर दे सकते हैं, आप अपने आप से बढ़िया तैयारी करेंगे, और हमें जहाँ लगता है कि हमें वहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए वहाँ हम आपको डेली 1 वीडियो, 2 वीडियो देते रहेंगे। और आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे एक बार जुड़िए और इसको शेयर करिए। तो आप जो है कि शेयर करेंगे, और उसके बाद जिन भाइयों या मित्रों के पास ये वीडियो जाएगा वो देखेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छा जो है कि करेंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, तो वो भी जो है कि हमें एक बढ़िया सा मोटिवेट करेंगे। तो हम आपको ऐसा ही देते रहेंगे, अब मिलेंगे आपको कल के वीडियो में। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो गणित का होगा, गणित में से भी मैं आपको चैप्टर प्रतिशत का सबसे पहले लाऊंगा, क्योंकि इसकी भूमिका जो है बहुत अच्छी होने वाली है, कि जो परसेंटेज हमारा होता है वो पूरे अंक गणित का वो आत्मा होता है। तो हम प्रतिशत को सबसे पहले जानेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आपके पेट में कितना महत्वपूर्ण है, हम उससे भी आगे थोड़ा बढ़ेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको कल के वीडियो में।